बीके सिंह साहब, आपका स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद बात करने के लिए इस विषय पर, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से ट्रक में आतंकवादी आ रहे थे और जैसे सुरक्षा बलों ने उस हमले को नाकाम किया है, ये तैयारी इशारा करती है कि आतंकवादियों के तरीके बदल रहे हैं और ये एक बड़ा अलार्म है। लेकिन कितना बड़ा अलार्म है ये आप ही बता सकते हैं बेहतर। रोहित, मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं पुलिस और सैन्य बलों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत एक अच्छा ऑपरेशन किया, जिसके अंदर 4 आतंकवादी मारे गए, 11 AK-47, 3 पिस्टल UBGL के जो लॉन्चर हैं और काफ़ी ग्रेनेड वगैरह पकड़ा गया। आतंकवादी ट्रक में आ रहे थे, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। वो आगे जैसे जैसे पुलिस और सेना इसके ऊपर तहकीकात करेगी, उनको पता भी चलेगा। जब भी जम्मू और कश्मीर में चुनाव होते हैं, बॉर्डर के पार से कोशिश होती है कि उन चुनावों के अंदर दखल अंदाजी की जाए, वहां पर अव्यवस्था बनाई जाए, वहां पर दहशतगर्दी की जाए। ये उसी लिहाज से हमको देखना चाहिए। ये जो कुछ आज हुआ है, ये कोशिश की जाएगी इसी तरह की। और अच्छी बात यह है कि हमारे पुलिस और सैन्य बल पूरे तरीके से मुस्तैद हैं ताकि ऐसी चीज को ना होने दें। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, 370 के हटने के बाद जनता प्रजातांत्रिक प्रणाली को देख रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को देख रही है, जो इससे पहले जम्मू और कश्मीर के अंदर बहुत कम देखा गया था। और अब एक विकास का जो प्रवाह शुरू हुआ है, उससे लोगों के अंदर बहुत अपेक्षा भी है, जोश भी है। और मेरा मानना है कि पहले भी हमारी जनता ने ऐसे प्रयास जो बॉर्डर के पार से किए गए उनको नकारा है, अब की बार और ज्यादा नकारेंगे। ये घटना जो है, ये एक प्रयास है। 1990 के दशक से जो परोक्ष युद्ध चल रहा है, उसमें उतार चढ़ाव आते गए हैं। अब ये एक ऐसे उसके ऊपर है कि पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि मैं आतंकवादी भेजकर कुछ कर सकता हूं। और इसके लिए मैं ये अपील करूंगा कि हमारी सारे जम्मू और कश्मीर के वासी, सभी नागरिक, सभी नेता, अगर वो देशभक्त हैं, तो इस चीज का बढ़ चढ़कर मुकाबला करें ताकि सैन्य और पुलिस बल इन परोक्ष युद्ध करने वाले आतंकवादियों को मार गिरा सके। जनरल साहब, 2020 में 90 आतंकवादियों से मुठभेड़ की बड़ी घटनाएं हुई हैं। 370 का आपने जिक्र किया कि हटने के बाद जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ देख रही है। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ जनता देख रही है, तो आपने खुद जो इशारा दिया कि ट्रक से आतंकवादी आ रहे हैं, उसमें अंदर से कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट उनको मिल रहा है, ये दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधाभासी लगती है। विरोधाभास नहीं है इसके अंदर। आतंकवादी आए, वो ट्रक ड्राइवर भाग गया है, मुझे पूरा यकीन है जम्मू कश्मीर पुलिस उसको जल्दी पकड़ेगी, उससे खुलासे होंगे कहां से घुसे, कैसे घुसे, किसने मदद की। देखिए, किसी भी सिस्टम में आपको कुछ चंद एक लोग ऐसे मिलेंगे जो देश का साथ नहीं देते, जो या तो पैसे के लालच में या किसी और लालच के अंदर देशद्रोहियों का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। ये उस लिहाज से आप इसको देखिए। लेकिन जनरल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया रास नहीं आ रही, इसलिए एंड चुनाव के मौके पे ये तैयारी की गई है? उनको जम्मू और कश्मीर का कोई चुनाव आज तक रास नहीं आया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई है, 370 हटा, उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग बाग ये समझें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके हक और हकूक की जो देखभाल हो रही है, वो उनको रास नहीं आ रहा है। लेकिन गुपकार रोड वाली टीम तो 370 का पुनर्जन्म चाहती है कश्मीर में।
देखिए, गुपकार रोड की जो टीम है उसमें मैं कहूंगा कि अलग अलग दर्जे के लोग बाग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आप थोड़ा सा समय में पीछे जाएं तो उनको आतंकवादियों का हिमायती बोला जाता था। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ स्वार्थ से भरपूर हैं, बिन पैंदे के लोटे, एक दिन उधर चले गए, एक दिन दूसरी तरफ चले गए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते। कुछ ऐसे हैं जो कि इस बस में बैठने के लिए, गुपकार गैंग की बस में बैठने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास और कुछ करने को नहीं है, तो उन्होंने कहा यहीं पे अपनी क्या कहते रोटियां सेक लेते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग बाग हैं और मैं इन ये कहूंगा कि हमें इनको ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। इनका कोई अभी वजूद नहीं बचा है, अब जनता का वजूद है। जनता को अपने आप पता चलेगा कि अब तक जो वहां पर प्रगति होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए था, वो इन लोगों के कारण नहीं हो पाया। और मैं कई बार गया हूं अभी बीच में जम्मू और कश्मीर में, और मैंने देखा कि जितना उत्साह लोगों के अंदर है, जितना उत्साह ग्राम प्रधानों के अंदर है, जितना उत्साह बीडीसी मेंबर्स के अंदर है, बहुत उत्साह है। लेकिन जनरल साहब, आपने कहा इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बिन पेंदे के हैं, कुछ ऐसे हैं जो आतंकवादियों के समर्थक थे, पर कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आपकी सरकार थी, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप पूरे देश में देशद्रोही बता रहे हैं, उसके बावजूद करगिल में उन्हीं के साथ गठबंधन करके आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ना चाह रही है। आज ही के अखबार में यह बात छपी हुई है। फिर लोग किस पे यकीन करें, गुपकार पे या सरकार पे? सरकार पर यकीन करिए और गुपकार को रोड का रोड रहने दीजिए, उसको गैंग के साथ मत जोड़िए। तो गुपकार का उपचार भी तो सरकार को ही करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल, उपचार भी होगा, और उपचार मैं ये मानकर चलता हूँ उपचार जनता करेगी। मुझे जम्मू और कश्मीर की जनता के ऊपर बहुत विश्वास है कि अगर उनको चीज़ सही दिखती है तो उस सही चीज़ को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 370 के बाद के और 370 के पहले के जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र में आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए, पहले जो लोकतंत्र था उसमें बहुत चीजें दबी हुई थी। मुझे याद है 2010 में जब पत्थरबाजी तेज हुई थी, मैं उमर साहब से मिला था श्रीनगर में, और मैंने उनको कहा कि आप जो पंचायत हैं, जो पंचायत के हेड हैं, उनको और पंचायतों को उनका हक क्यों नहीं देते? बोले जी, हमारे एमएलए नहीं मानते। यानी कि एमएलए नहीं चाहते कि लोकतांत्रिक प्रणाली पनपे। तो ये एक विडंबना रही है जम्मू और कश्मीर की। आप नहीं चाहते कि कोई और ऊपर उठे, जनता को उनके हक मिले, जनता का विकास हो। मैं बहुत आपको बहुत चीजें बता सकता हूं जिसके अंदर जनता का विश्वास उस समय के सरकारों पर, उनके शासकों पर, उनकी शासकीय प्रणाली पर नहीं था। लेकिन जनरल साहब, पीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि गुपकार के बहाने से आपकी पार्टी एक तरफ नाथुराम गोडसे के समर्थन में खड़ी होती है और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे शहादत देने वाले के परिवारों को देशद्रोही कहती है। देखिए, किसी के परिवार को कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो परिवार ना समझी के अंदर या अल्प समझ से इस चीज को नहीं देख रहा है कि कहां पर क्या हो रहा है, तो उनको यही बोला जाएगा। कोई किसी की, देखिए, एक बड़ी अजीब सी चीज मैं देखता हूं, चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं जी, हमारा परिवार बहुत अच्छा रहा है, अब भी हम अच्छे हैं, लेकिन हम देश के खिलाफ बात करेंगे। अगर भाई आप देश के खिलाफ बात करोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे, इसमें शक क्या है? वो कह रहे हैं हम आपके खिलाफ, पीडीपी को तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं हम आपके खिलाफ बात करते हैं, मेरा व्यक्तिगत, रोहित, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है, पीडीपी को नहीं बोलना चाहिए, अगर बात खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन इंतजार किस चीज का फिर बात खुलने के लिए सर? उपचार होगा, उपचार का मतलब ये नहीं कि एकदम से डंडा चलता है। उपचार के कई तरीके हैं और मुझे देश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि उपचार की पूरी रणनीति उनके पास है, उपचार का तरीका उनके पास है, उपचार होगा और जल्दी होगा। सर, 6 साल तो हो चुके हैं, कितनी लंबी योजना है?
लंबी योजना नहीं है, कई चीजों को जब धीरे धीरे सेकते हैं तो जा अच्छी बनती है, ज्यादा जल्दी करने से भी नुकसान होता है। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान ने आज हाफिज सईद पर कार्रवाई की है और एंटी टेरर कोर्ट ने 10.5 साल की सजा सुनाई है, आपको लगता है दुनिया के दबाव में, भारत के दबाव में पाकिस्तान थोड़ा सीरियस हुआ है या फिर ये रंगमंच का सीन है जो हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है वहां? बस मेरी व्यक्तिगत विचार धारा यह है कि पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर सकते। जो रेडियो झूठिस्तान चलाता था 1965 में, उसके ऊपर क्या विश्वास करेंगे? आज आपको एक नाटक करके दिखाएगा जी हाफिज सईद पे ही हो गया, कल उसको निकाल के कहीं और बैठा देगा। तो जब तक चीजों के ऊपर पूरे तरीके से कोई पूरा एक्शन नहीं होता है, तब तक मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। तो ये एक्शन पाकिस्तान करे या समय आ गया कि भारत को कोई एक्शन कर लेना चाहिए? देखिए, एक्शन जब समय आएगा तब तो हर एक चीज का उपयुक्त समय होता है, उपयुक्त उसके लिए तरीके बनाए जाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी सेना से डर लगना चाहिए, जिस तरीके से वहां पे बदहाली चल रही है, पता नहीं कितने दिन और रहेंगे वहां पर वो लोग। तो भारत सरकार के मंत्री को नहीं लेकिन भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख को क्या ये नहीं लगता कि यही बेस्ट टाइम है जब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए बड़ा? नहीं, देखिए, हर चीज सिर्फ सेना की सोच नहीं होती है। जब देश काम करता है तो उसमें सबकी सोच होती है, और किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए उसमें राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य नीति के हिसाब से तीनों चीजों को जब तक मिलाकर हम नहीं चलेंगे, तब तक अच्छी चीज नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल वीके सिंह आज तक से बात करने के लिए और देश के लोगों को यह बताने के लिए कि आखिर क्यों अचानक से पाकिस्तान की तरफ से ये हरकतें बढ़ गई हैं, क्योंकि लोकतंत्र पाकिस्तान को पसंद नहीं है और कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली अब निशाने पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।